हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो नो कांटेक्ट के लिए करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी थी, सो लेट्स सी। जो लोग नो कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिल में, ठीक है? स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। वी आर द वर्ल्ड। नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं? पोस्टपोनमेंट, गोइंग विद द फ्लो, सेलिब्रेशन, सिजोफर्निया। क्लिंगिंग इन टू द पास्ट बॉटम में है, ठीक है? साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिना, एक्वेरियस, लिब्रा। यहाँ पर मुझे जो दिख रही है, बेसिकली चीजें ऐसी है कि ये पर्सन क्लिंगिंग इन टू द पास्ट है यहाँ पर। मतलब पास्ट से जितने आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पास्ट में कौन थे? आप थे उनके लाइफ में, तो पास्ट को छोड़ के, पास्ट को भूल के पूरी तरीके से आगे बढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये पर्सन के लिए, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पास्ट इतना उनका, इंसान कौन सा पास्ट को भूलने की कोशिश करता है जो बुरा पास्ट होता है, और आपके साथ इनको नहीं लगता कोई पास्ट बुरा था। सो ये उस चीज को एक तो भूलना नहीं चाहते, दूसरा खुद भी काफी ज्यादा उस चीज को याद करते हैं, ठीक है? और सिर्फ याद करना तो वो तो मिसिंग है, जैसे उलझ जाना, पिछली बातों में या फिर कोई बात को याद करके जैसे इंसान उलझ जाता है, आपके पर्सन वैसे मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा सर पे अभी भी वही चीज है, सर से अभी भी निकला नहीं है। वो मेमोरीज या फिर वो बातें आपकी, बहुत उनके दिमाग में ही है सब कुछ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो चीजें, आप दोनों के बीच में चीजें जो है लेट हो रहा है, रिकंसिलिएशन का या फिर बात होने का, या फिर जो अभी बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन ऑल नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, ठीक है? जैसे आप कभी कभी ऑल नेगेटिव हो जाते हो, वो नहीं हो रहे हैं। वो ऐसे है कि वो ये सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि देर होगी लेकिन हम दोनों बात जरूर करेंगे, ठीक है? मैं वक्त लूंगा या फिर मैं वक्त लूंगी लेकिन बात जरूर होगी हमारी। समहाउ बहुत पॉजिटिव माइंड में वो रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर वो भी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में नेगेटिव सोचना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक जैसे ही बन जाओगे। आप भी कभी कभी बहुत परेशान होते हो, वो भी कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, तो ये जो यूनिवर्स को मैसेज जाएगी ना, वो बहुत अजीब और बुरी मैसेज जाएगी। तो बेहतर है अगर वो पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें, उन्हें पॉजिटिव रहने दो आप, ठीक है? बाकी ये आपसे तो निकल नहीं पाए हैं अभी तक, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है? विद दिस सिजोफेरनिया, देखो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कुछ चीजों के वजह से कंफ्यूज्ड हो, या फिर कुछ चीजें उनको समझ नहीं आ रही है। बहुत ऐसी बातें रिश्ते में होती है जो रिकंसिलिएशन पहले या फिर कांटेक्ट होने से पहले एक पर्सन सोचता है, तो वैसे ही कुछ बातों को लेकर उनको समझ नहीं आ रहा है इसका आउटकम क्या होगा। वो जैसे मुझे लगता है वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। क्या करें इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में? कांटेक्ट करें या फिर नहीं करें? करें तो कब करें? क्या बात करें? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन, बहुत सारे सवाल इनके दिल में है। उसके अलावा भी काफी सारे सवाल उनके दिल में है, जैसे कि
अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। लाइक हो सकता है आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें हो जो उनको जानना है, तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारे सवाल उनके दिल में है, ठीक है। वो उस चीज का आंसर भी ढूंढना चाहते हैं, बट वो डायरेक्टली आके आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये गोइंग विद द फ्लो में है, जैसा चल रहा है चलने दो, जब होगा देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में है। लाइक चीजों को पूरी तरीके से खत्म भी नहीं करूंगा और चीजों को पूरी तरीके से सही भी नहीं करूंगा। आपके पर्सन ऐसे हैं, या फिर नहीं करूंगी, जिस तरीके से भी आप लो, आपके पर्सन ऐसे हैं, ठीक है। सो वो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा चिल दिख रहे हैं। वो पास्ट में है, वो आपको याद करते हैं, बट कोई रोध हो के याद नहीं करते हैं, बहुत चिल हो के याद करते हैं, बहुत एक फ्री स्पिरिट की तरह याद करते हैं, ठीक है। यहां पर मुझे दो चीज मैं क्लेरिफिकेशन निकालूंगी, ये दो कार्ड क्यों आए हैं, वे आर द वर्ल्ड क्यों आया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वे आर द वर्ल्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज हमें बताएं। टोटैलिटी, ओके। और ये सेलिब्रेशन नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों आया है, एंजल्स प्लीज हमें बताएं। ऑर्डिनरीनेस, शेयरिंग, ओके। मुझे लगता है कि विद दिस वे ऑफ द वर्ल्ड एंड टोटैलिटी, आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जैसे आई थिंक कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, लाइक हाथ में हाथ मिलाना चाहते हैं, बेसिकली आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। हाथ पकड़ना मतलब ऐसा नहीं, हाथ पकड़ना मतलब जिस तरीके से बेसहारा की तरह किसी को छोड़ दिया जाता है, उस तरीके से आपको छोड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि somehow उनको फील हो रहा है, somehow आपको उनकी जरूरत है और काफी ज्यादा जरूरत है। तो आपके जो पार्टनर है उस चीज का अंदाजा उन्हें लग चुका है और उसी चीज के वजह से ये चाहते हैं ये आपका हाथ पकड़े। लाइक कम से कम आप दोनों के बीच में जो गुस्से की वजह से, लड़ाई की वजह से, झगड़ा की वजह से जो ब्लॉकेजेस आ गई है वो ब्लॉकेजेस हट जाए। कम से कम वो ऐसे इंसान की तरह खड़े रहे जो लाइक हाँ मैं हूं, कोई भी सिचुएशन हो मैं हूं। वो पर्सन ये आपको जताना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या लग रहा है नो कांटेक्ट में कि चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए ये पर्सन नहीं है आपके लिए, बट ये सिचुएशन जो है वो दिख रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जो भी प्रॉब्लम फेस करो, एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो तो भी, एज अ पर्सन, इवन फ्रेंड भी ना हो, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ नोन पर्सन, जैसे जानते हैं आपको, वो खड़े रहें और आपको हेल्प करें, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आपको दुनिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लाइक दुनिया में कितने चालाक लोग हैं, या फिर आपको दुनिया देखना और भी बाकी है, इनोसेंट सोचते हैं मे बी आपको, ठीक है। विद दिस सेलिब्रेशन देखो यहां पर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये पर्सन जैसे मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। उनको बहुत ज्यादा आपके साथ खुशी मनाने का मन है, कोई भी चीज का खुशी हो, उनके लाइफ में कोई अच्छी बात हो रही है वो आपके साथ वो खुशी मनाना चाहते हैं, या फिर उनको फील हो रहा है। अगर आप होती तो आप सुनती तो आपको बहुत अच्छा लगता। उनके दिमाग में क्या है कि आप हमेशा उनके अच्छे चाहते थे ना, तो आप अगर सुनोगे कि हाँ भाई इस पर्सन का ऐसा कुछ हुआ है तो आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ये पर्सन आपके जो है उसी तरीके से सोच रहे हैं कि आप अगर होते तो आप बहुत खुश होते, उनकी सक्सेस देखकर या फिर उनकी ये बात जानकर आप बहुत खुश होते। नेक्स्ट और क्या फीलिंग्स है, थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो मैं थर्ड पार्टी का भी अपडेट आपको दूंगी, डोंट वरी। और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्रिएटर, द क्रिएटर एंड शेयरिंग एक साथ आया है, देख सकते हो आप यहां पर कितने दोनों ब्यूटीफुल कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे यहां पर ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा जैसा आप उनके प्रति फील कर रहे हो वैसा वो आपके प्रति फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन, बहुत ही ज्यादा दिल में एक दूसरे के लिए जैसे आप खींच रहे हो दोनों को एक दूसरे की तरफ। बेसिकली आपके जो पर्सन है उनकी सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत बैलेंस हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी वो आपसे बात करना चाहते हैं, प्लस उनके दिल दिमाग में जितनी भी ईगो थी, जितनी भी एटीट्यूड, ईगो, चीजों को ना समझना, अहम, ये सब चीजें उनकी खत्म या फिर बैलेंस हो गई है और सैक्रल चक्रा ओपन है, इसीलिए ये आपके प्रति एक अलग लेवल का ही आकर्षण महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चक्रा बैलेंस नहीं होता है, होता है, हीलिंग से बहुत चक्रा बैलेंस होता है। जिन लोगों का होता है उन लोगों को पूछिए, बहुत लोग हीलिंग करवाते हैं, मुझसे भी करवाते हैं, उनकी जो चक्रा बैलेंस होती है ना, अलग लेवल का फीलिंग्स होता है। लेट्स, और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, द ड्रीम नंबर सिक्स, यहां पर है एरीज सजिटेरियस लियो एंड यहां पर है द ड्रीम, ब्यूटिफुल जेमिनाई। यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है जैसे कि आपके पर्सन डे ड्रीमिंग में बहुत ज्यादा माहिर है, ठीक है, वो बेसिकली सोचते रहते हैं। मुझे लगता है कि इन पास्ट में अगर आप दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, एक दूसरे को हग करना बहुत ज्यादा पसंद था, तो क्लोजनेस बहुत पसंद था, तो ये पर्सन उस चीज को काफी याद करते हैं। स्पेशली वो आपको जब हग किया करते थे, आप जो बोला करते थे, उस चीज को ये काफी ज्यादा याद करते हैं। लाइक रोमांटिक फीलिंग्स, आप सोच सकते हो रोमांटिक फीलिंग्स, बट वो फिजिकल रोमांटिक नहीं, लाइक जैसे एक सोल टू सोल रोमांटिक फीलिंग होती है, उस तरीके से ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं और आपके लिए ख्वाब देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में ऐसे पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्यार तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप दुनिया के बारे में इतना जानते हो नहीं, अगर आप दोनों साथ होते तो वो आपको प्रोटेक्ट करते या फिर आप उनको प्रोटेक्ट करते, लाइक एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे के लिए ही खड़े रहोगे, इनकी ऐसी फीलिंग्स है। हो सकता है ये आपको अभी किसी परेशानी में देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी ये सोच रहे हैं काश में होता तो ये कुछ कर पाता मैं। नेक्स्ट, और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन, डेड एंड। ओके, देखो यहां पर डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन हर नो कांटेक्ट हमेशा के लिए नो कांटेक्ट नहीं होता है, कुछ होता है चेंज के लिए। आपका रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज उसी चीज के लिए आ रहा है। जैसे आपका रेगुलर था चीजें, झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, प्रॉब्लम होता था, ये कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, एक दूसरे के अंदर बहुत सारी चेंजेस और बदलाव आए हैं, और इसीलिए बदलाव आया है तो कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, ठीक है। यहां पर ये बहुत पावरफुल प्रोसेस से आप दोनों एक्चुअली गुजर रहे हो, ये आप दोनों को पता नहीं है। यहां पर चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप सोलमेट हो, कार्मिक हो, जो भी हो, यहां पर स्ट्रांगली चीजों को आप दोनों फेस करोगे। इसके बाद जो होगा वो चीजें काफी बदलने वाला होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, काफी टाइम से ये प्रोसेस चल रहा है, और जितना ये चलेगा उतना ही आप दोनों जलोगे, आप अंदर से जलोगे, वो अंदर से जलेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं है कि आप खाके पीके सो जाओगे, लाइक कुछ भी आपको फील नहीं होगा, नो, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है जब भी, इसमें इंसान जलता है, अंदर से बहुत दुख
दुख के मारे जलता है, तकलीफ के मारे जलता है, मिस करके जलता है, लेकिन जलता है, लेकिन जलने के बाद जो उसको रिजल्ट मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, जो रिकन्सिलिएशन में इजी हो जाता है वो अलग लेवल का होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे क्या होगा, एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे क्या होने वाला है? सक्सेस देख लीजिए, ठीक है, इसके अलावा मुझे और कोई कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। सक्सेस, रिश्ते में सक्सेस, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट होगी, बात होगी, जरूर होगी। नो कांटेक्ट आपका जाया एक्चुअली नहीं जाएगा, ठीक है, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल होगा। ये आप समझ लो कि अभी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, ये भगवान के द्वारा है। ये सिचुएशन को आप दोनों को फेस करना था तो आप दोनों फेस कर रहे हो। जैसे ही आपका ये सिचुएशन खराब होगा वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। ये तो बस एक समय चल रहा है, ठीक है, 6 days, 6 hours, 6 weeks, within 6 months, यू नो, हर लोगों की टाइम अलग अलग होती है। इसी वक्त में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो चेंज है वो देखने ही मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या ये पर्सन फील करते हैं, ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, ओके, ब्यूटिफुल। देखो मुझे लगता है कि दिखाना कुछ और है और अंदर कुछ और है। आपके पर्सन ऊपर से दिखा रहे हैं कि उनको पेन नहीं हो रहा है, लेकिन पेन उनको बहुत हो रहा है। सर पे यू नो क्राउन चक्रा का कार्ड है और बहुत ज्यादा मुझे सोचते हुए भी वो दिख रहे हैं। देखो इम्पार्शियलिटी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन आपके साथ भेदभाव नहीं करना चाहते। भेदभाव मतलब जैसे आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे, आप देखते होंगे कि ये अपने दोस्तों से या फिर लोगों से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे साथ क्या होता है प्रॉब्लम। तो ये आपके साथ वो चीज अभी नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ यू नो पार्शियलिटी नहीं करना चाहते अभी। जैसे सबके साथ अच्छे हैं, आपके साथ और ज्यादा बेहतर होना चाहते हैं। ठीक है, क्वेस्ट, ये अंदर का दुख ही है उनका। ये पर्सन जैसे प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आपसे जुड़ी हुई दुखों के लिए, बहुत ज्यादा प्रेयर है इनके दिल में और बहुत ज्यादा दुख भी है उनके दिल में। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है लेकिन ये चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अबंडेंस, ब्यूटिफुल। देखो दो चीज मुझे विद दिस अबंडेंस लग रहा है, या तो ये पर्सन करियर में पहले फिक्स होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, फिर आना चाहते हैं, या फिर मुझे लगता है कि ये आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। यू नो हर इंसान का जो सिचुएशन है वो सेम नहीं होता है। ये आपके पार्टनर देखते हैं दोस्तों का रिलेशनशिप और देखते हैं उनका अच्छा चल रहा है, मेरा कब अच्छा चलेगा, या फिर आप देखते हो उनका अच्छा चल रहा है, मेरा कब अच्छा चलेगा। हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है, ठीक है, तो आप दोनों का रिश्ता भी चल जाएगा, डोंट वरी। और जैसे मैंने बोला था मैं थर्ड पार्टी के लिए भी देखूंगी, तो लेट्स सी थर्ड पार्टी रीडिंग, ये पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी चीजें क्या है, कैसी चल रही है। फाइटिंग, माय गॉड, आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला, आप 10 सेकंड पीछे करके भी देख सकते हो, स्ट्रांगली फाइटिंग आ रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में हो सकता है, फाइटिंग हो रहा हो, ओपिनियन डिफरेंसेस हो, फाइटिंग हो रहा है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीजें वैसी सही नहीं जा रही है। अभी मैं आपके लिए कार्ड देखती हूँ कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है या फिर आपको क्या करने की जरूरत है। हीलिंग, सी, ठीक है, नेक्स्ट
लेटिंग गो। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। बैलेंस आपके लिए बहुत अच्छे यूनिवर्सल मैसेजेस आए हैं, मैं आपको देती हूँ। मैं मैसेज आपको डेली देती हूँ, आपको ये करना है। पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं, जो आपके लिए गाइडेंस आता है। अगर करते हो मुझे लिख के आप जरूर बताना। आपके लिए यहाँ पर है, पहले हीलिंग लो, कोई हीलर से अपनी सेल्फ सेवन चक्रा हीलिंग करवाओ या फिर अपना हीलिंग करवाओ। जो भी हीलर करेंगे उनको पता है कि आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस पे रखना है। मुझसे भी करवा सकते हो, मैं भी रेकी हीलर हूँ, करती हूँ। सो ये पहले तो आप खुद की हीलिंग करवाओ सेवन चक्रा, या फिर डिस्कशन करके हीलर के साथ करो। खुद की अगर हीलिंग करना चाहते हो तो खुद की हीलिंग थोड़ा सा खुद से मुश्किल है। खुद के हीलिंग के लिए बस आप मेडिटेशन कर सकते हो, दैट्स इट। दूसरा लेटिंग गो, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, किसी को भूल जाना लेट गो करने में फर्क होता है। लेट गो मतलब खुद का काम करो, उसको दिल में रखो, ठीक है। और भूल जाना मतलब बोला जाता है कि हमेशा के लिए प्रेशराइज करके खुद को भूलो, ऐसा नहीं है। बस वो अपने लाइफ, तुम अपने लाइफ, ये करो ये करोगे तो आपके लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। हीलिंग लो, लेटिंग गो करो, जीवन में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप रीडिंग देखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, आपका मैनिफेस्टेशन झट से हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय बाय।